हेलो स्टूडेंट, मैं तुलराज सपूत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो आज इंटीग्रेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंटों को, जिन स्टूडेंटों ने देखो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हिंदी मीडियम वाली जो क्लासेस होती थी वो इस वाले चैनल पे हम पढ़ाते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस होती है वो इस वाले चैनल पे पढ़ाते हैं। तो आप लोग ठीक है अपने अपने अनुसार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद देखो स्टूडेंट, क्लास के अपडेट के लिए आप लोग जो हमने व्हाट्सएप चैनल बना रखे हैं इनको आप ज्वाइन कर लो। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वाला QR ठीक है, आप इसको स्कैन कर लेना, ठीक है, गूगल लेंस से आप स्कैन करके ये वाला चैनल जो है ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको क्लास अपडेट के बारे में पता चलता रहेगा, कब क्लास होती है, ठीक, कब क्लास नहीं है, क्लास का क्या टाइम है, क्लास की लिंक भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इस वाले ठीक है QR को स्कैन कर लेना और चैनल को ज्वाइन कर लेना। और स्टूडेंटों को जो बच्चे PDF चाहिए, ठीक है, जिन बच्चों को PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप लोग ये टेलीग्राम वाले छोटे चैनल हैं इनको आप ज्वाइन कर लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये पहला वाला जो QR है ठीक है इसको स्कैन करेंगे और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबकी PDF मिलेंगी। इसके बाद देखो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इस वाले QR को स्कैन कर लेना गूगल लेंस से और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम वाली PDF मिल जाएंगी। और स्टूडेंट, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी किया करो। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो स्टूडेंट देखो, हम लोग लास्ट क्लास में एक्सरसाइज कर रहे थे 7.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो 26 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन है देखो हमारे पास 26। कह रहा है देखो इंटीग्रेशन करना हमें cos रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और dx। देखो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखो मान लेते हैं, यहाँ पे माना रूट एक्स बराबर टी मान लेते हैं यहाँ पे इसको देखो, ठीक है, जो ये कोण में लिखा है इसको हम लोग टी मान लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट इसका हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन। देखो डिफरेंशिएशन ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और इधर आ जाएगा dt अपॉन में dx आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो dx को इधर देते हैं तो dx अपॉन आ जाएगा 2 रूट एक्स बराबर आ जाएगा dt। अब 2 को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन में आ जाएगा रूट एक्स बराबर आ जाएगा 2 dt आ जाएगा। अब क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आके वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन कॉस, ये हो जाएगा हमारे पास टी हो जाएगा। देखो कॉस टी इंटू ये दोनों दो मिलकर क्या बना देंगे 2 dt बना देंगे। क्या बन के बना देंगे 2 dt। 2 को देखो बाहर कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस टी हो जाएगा और dt आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है साइन टी होता है प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 ये हो जाएगा साइन टी की वैल्यू है रूट एक्स प्लस सी। देखो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। चेक करो स्टूडेंट देखो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। स्टूडेंट देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ये आप लोग कर लेना, ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे पूछा जाए तुमसे साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स पूछा जाए dx, ये भी कर लेना, ठीक है। या कभी कभी पूछ देते हैं e की पावर रूट एक्स dx अपॉन में रूट एक्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे ही और भी ठीक है क्वेश्चन है, जैसे हम लिखते हैं tan रूट एक्स dx अपॉन में रूट एक्स। बट स्टूडेंट देखो जब इसको सॉल्व करना तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा tan x का इंटीग्रेशन, ये अभी आप लोग याद कर लो। ठीक है tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास log mod में sec x प्लस c, ये वाला फॉर्मूला यूज करना लास्ट वाले में। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे और सेम मेथड से आपको करना है बिल्कुल।
लास्ट वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये आएगा टी है, इसका फॉर्मूला यूज कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इंटीग्रेशन करना, देखो रूट में साइन 2x कॉस 2x dx। देखो तो यहां पे स्टूडेंट देखो हम लोग मान लेते हैं, यहां पे माना साइन 2x बराबर t, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस 2x और फिर 2x का और करो डिफरेंशिएशन, 2x का करेंगे तो ये आएगा 2 बराबर आ जाएगा dt अपॉन में dx आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x और dx बराबर आ जाएगा dt आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे cos 2x dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन में 2। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन चेंज करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा t और ये दोनों देखो मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर बना देंगे dt अपॉन में t बना देंगे, देखो dt अपॉन t। चलो 1/2 तो को बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास cos रूट में आ जाएगा t और dt आ जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो t की पावर हो जाएगी 1/2 dt। अब करो इसका इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, ये आएगा t की पावर देखो 1/2 प्लस 1 अपॉन में आएगा देखो 1/2 प्लस 1 और प्लस c। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 ये आ जाएगा t की पावर आएगी 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस c। देख लो एलसीएम ले लो यहाँ पे, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास t की, देखो वैल्यू रख देते हैं t की वैल्यू है हमारे पास साइन 2x की होल पावर 3/2 अपॉन में 3 और प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे जाएगा हमारे पास साइन की पावर 3/2x अपॉन में 3 प्लस c। देखो ये इसका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। चेक कर लो ठीक है, बुक से देख लेना अपना आंसर मैच करा लेना। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है कहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है। और ये सब स्टूडेंट देखो प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, हमने बताया था ठीक है, हर क्लास में बताते हैं, इसमें हमें थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ता है यहाँ पे कि किस फलन को हम टी माने डी टी में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए हमारे पास और उसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकें। देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 28 लिखा है, देखो इंटीग्रेशन करना मुझे ऊपर लिखा देखो cos x dx अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस साइन x। तो यहां पे देखो स्टूडेंट हम लोग किसको t मानेंगे, देखो यहां पे रूट के जो अंदर लिखा है, ये रूट के अंदर जो लिखा है इसको हम t मान लेते हैं। ध्यान से देखना, यहां पे मान लेते देखो यहां पे माना 1 प्लस साइन x बराबर t। अब करो इसका देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये जाएगा 0 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये जाएगा dt अपॉन में dx। अब देखो ये dx को इधर भेज देते हैं तो ये जाएगा हमारे पास cos x dx बराबर आ जाएगा dt आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा देखो ये आ जाएगा हमारे पास dt अपॉन में आ जाएगा रूट टी आ जाएगा। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो आके यहाँ पे तो ये तो हमारा t हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका देखो dx अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है 2 रूट एक्स और प्लस c। देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये जाएगा 2 रूट टी आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। हम t की देखो वैल्यू रख देते 2 रूट में, t की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और प्लस c। देखो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। देख लो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसके बाद देखो स्टूडेंट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 29। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि
देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करना है कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डीएक्स। अब देखो स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो अगर हम लॉग एक्स को टी मान लें, अगर इतने पार्ट को अगर हम टी मान लेंगे तो ये अपने आप अभी देखना ध्यान से ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे माना लॉग साइन एक्स बराबर टी, आप करो देखो डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, ये जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट एक्स। देखो यहाँ पे कॉस अपॉन में साइन है, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा कॉट, और इधर आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा हमारे पास ये जाएगा लॉग टी आ जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो ये तो हमने टी माना था तो ये तो हम टी रख देंगे ठीक है यहाँ पे, और ये दोनों देखो मिलके क्या बना देंगे, ये बन मिलके बना देंगे डी टी डी टी। अब करो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखो टी की पावर देखो यहाँ पे 1 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में जाएगा 1 प्लस 1 प्लस c, तो सॉल्व कर लो देखो टी की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, तो ये आ जाएगा टी की देखो वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू है हमारे पास लॉग साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी, देखो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, देख लो चेक कर लो, इस तरह से करना था क्वेश्चन। और स्टूडेंट देखो ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी दे रखे ठीक है, जो राजीव प्रकाशन की बुक है ठीक है अच्छी है, इसमें ज्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो जिससे आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से आने लगे। स्टूडेंट देखो यहाँ पे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखे, ऐसे बेनिफिट ये मिलेगा हम लोग आगे चल के ठीक है एयरफोर्स या एनडीए इसका कोई भी एग्जाम अगर देंगे तो उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, और अदर बुक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही रखे इस बुक में। चलो अच्छा देखो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 30। 30 नंबर कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का, देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, देखो तो यहाँ पे हम मान लेते, देखो किसको मानेंगे टी, ध्यान देखो उधर इतने पार्ट को हम टी मानेंगे, यहाँ पे ये डी टी में चला जाएगा, देखो तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर मानेंगे टी, करो देखो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आएगा 0 प्लस कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा हमारे पास माइनस का देखो साइन एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी, अब माइनस साइन उधर और भेज दो, ये जाएगा हमारे पास साइन एक्स और डी एक्स बराबर जाएगा माइनस का डी टी माइनस डी टी। अब क्वेश्चन को देखो चेंज करो, यहाँ पे आके देखो वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो नीचे तो देखो हो जाएगा टी हो जाएगा, इसको हम टी मान चुके, ऊपर देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का डी टी बन जाएगा माइनस डी टी, तो यहाँ से देखो माइनस बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन में टी आ जाएगा माइनस का डी टी अपॉन टी, तो करो इसका देखो इंटीग्रेशन, माइनस का ये हो जाएगा लॉग टी और प्लस टी, तो जाएगा माइनस का लॉग टी की वैल्यू रख देते हैं, टी कितना था हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, देखो ये आंसर आ गया इसका। चेक कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ठीक है, तो इंटीग्रेशन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ ठीक है यहाँ पे, अगर आपको और भी क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं तो एक इंग्लिश मीडियम में बुक आती है आर डी शर्मा, आर डी शर्मा से इंटीग्रेशन लगा डालो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आर डी शर्मा से अगर तुमने इंटीग्रेशन लगा लिया तो आपको 90% ही है इंटीग्रेशन आने लगेंगी, 90% हम बता रहे थे आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से आने लगेंगे,
10% वो ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन में ट्रिकें होती हैं, वो तुम्हें थोड़ा जब क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करोगे तभी वो पता चलेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई भी हम इंटीग्रेशन आपको उठा के दे रहे हैं आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं थी, उसमें दिमाग यूज करना पड़ता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक लगी होती थी, तो उस ट्रिक को अप्लाई करोगे तभी वो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, अदरवाइज वो इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग। तो आपको और बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, तो इंग्लिश मीडियम में ये बुक आती है आर डी शर्मा, ये क्लास 12th में, ठीक है, तो इसको आप ले लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इसमें तो इनसे सबसे प्रैक्टिस करो आप, तो आपका इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 31, 31 नंबर, ठीक है यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन में 1 cos x का होल स्क्वायर और dx। अभी देखो स्टूडेंट पीछे किया था यही क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पे, बट वहां पे स्क्वायर नहीं था, अब यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर लगा दिया, तो इतने पार्ट को फिर से हम t मानेंगे। देखो अंदर वाले पार्ट को क्या मानेंगे, t। यहाँ पे देखो मान लेते हैं, माना 1 cos x बराबर t, करो इसका देखो डिफरेंशिएशन, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा हमारे पास 0 cos का होगा देखो माइनस का साइन एक्स, और इधर आ जाएगा dt अपॉन में dx आ जाएगा, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का आ जाएगा साइन एक्स और dx बराबर आ जाएगा dt, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स dx बराबर माइनस, इधर भेज देते, ठीक है, माइनस का dt आ जाएगा। अब आ जाओ स्टूडेंट वो, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं, ऊपर देखो ये बन जाएगा माइनस का डी टी, माइनस का देखो डी टी अपॉन में, देखो ये नीचे क्या हो जाएगा, देखो इसको नीचे लिख देते हैं हम लोग टी स्क्वायर। देखो अब देखो क्या करना है, तो इंटीग्रेशन माइनस टी, इसको ऊपर ले जाओ, टी की पावर माइनस टू डी टी हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लेते हैं, टी की पावर माइनस टू डी टी, करो इसका इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में आएगा माइनस टू प्लस वन प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास टी की पावर माइनस के वन, माइनस और लगा था, ठीक है यहाँ पे अपॉन में माइनस वन प्लस सी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन टी आ जाएगा प्लस सी, वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी है वन प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, देखो चेक कर लो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, आंसर अपने मैच करा लेना बुक से, ठीक है देख लेना, अगर कोई आंसर अगर ना मैच करे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 32 नंबर, कह रहा देखो इंटीग्रेशन करना है 1 upon 1 cot x का, देखो हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 1 upon 1 cot x और dx। स्टूडेंट देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक हमने पीछे भी किया कराया था, ठीक है, एग्जाम्पल में था ऐसे ही, वो था 1 upon 1 plus 10 x था हमारे हिसाब से, या फिर माइनस होगा वहां पे देख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान रखना क्या करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम cot x को साइन कॉस में बदलेंगे, यहाँ पे देखो साइन कॉस में बदल लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 1 upon 1 plus cos x अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स और ये जाएगा डी एक्स। अब देखो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 1 upon sin x plus cos x, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अपॉन में आ जाएगा देखो साइन एक्स और डी एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ले जाओ, तो साइन एक्स डी एक्स अपॉन में आ जाएगा नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमारी एक ट्रिक लगेगी, ठीक है यहाँ पे, अब इसको ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, चेक कर लो, अगर इसको तुम टी मानोगे तो ये डी टी में जाएगा ही नहीं, यहाँ पे एक ट्रिक लगेगी। देखो ट्रिक क्या है कि हम लोग, ठीक है, दो से मल्टीप्लाई करते रहे और दो से डिवाइड करते रहे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स
कॉस एक्स। देखो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया, बैलेंस कर दिया यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से रखना, यहाँ पे 1/2 तो ऐसे ही रखेंगे, ऊपर देखो साइन एक्स लिखा है, 2 sin x, तो साइन एक्स प्लस कर देंगे कॉस एक्स, और फिर करेंगे देखो प्लस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और अपॉन में देखो नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। देख लो अब इसको हम अलग अलग देखो डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपॉन में आएगा देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, अपॉन में आएगा देखो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डी एक्स। हमने अलग अलग देखो डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिवाइड करने पे देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से चलो अब इसका देखो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 यहाँ पे बचेगा, पहले लिख देते हैं 1 प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस के देखो कॉस एक्स, अपॉन में नीचे आ जाएगा देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और होल डी एक्स। अब क्या करो स्टूडेंट, इसका अलग अलग देखो इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, ये आ जाएगा 1/2 1 dx आ जाएगा प्लस 1/2। अब स्टूडेंट देखो एक काम और करते हैं, यहाँ पे यहाँ ऊपर से माइनस और कॉमन ले लो, अभी बताएंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको हम t मानेंगे, ठीक है यहाँ पे t मानेंगे, तो ऊपर उल्टा आएगा, उल्टा मतलब cos x पहले आएगा और बाद में आएगा cos x माइनस sin x आएगा, तो यहाँ पे हम ऊपर से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख दो माइनस माइनस, ठीक है यहाँ पे, और ऊपर आएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। नीचे आ जाओ देखो, नीचे लिखा था हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा था, देखो चेक कर लो, यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, तो कॉस एक्स पहले आ जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा माइनस करके साइन एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका देखो 1 का तो इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे, और 1/2। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं, यहाँ पे देखो माना माना यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, देखो मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डिफरेंशिएशन, ठीक है यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर आ गया डी टी, तो ऊपर आ जाएगा डी टी अपॉन में आ जाएगा टी, देखो चेक कर लो ये आ जाएगा। अब आ जाओ देखो, तो 1/2 x माइनस के देखो 1/2, ये हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, ये आ जाएगा 1/2 x माइनस के देखो 1/2 लॉग टी की वैल्यू रख दो, टी क्या था हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, देखो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, देख लो चेक कर लो ये आंसर आ रहा होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना पड़ा स्टूडेंट, ठीक है यहाँ पे, तो इसमें एक ट्रिक लगेगी, इसको याद रखना आप लोग। चेक कर लो देख लो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है पूछ सकते हो। चलो स्टूडेंट ठीक है, देखो इसके बाद चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 33 कह रहा है, देखो इंटीग्रेशन करना है 1/1 - tan x का हमें इंटीग्रेशन करना है, देखो 1/1 - tan x dx। अभी देखो हम लोग पीछे कर चुके हैं 1 + cot x का, बिल्कुल मेथड इनका दोनों का सेम है, देखना ध्यान से, तो इसको सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे साइन कॉस में, तो ये आ जाएगा 1 dx अपॉन में आ जाएगा नीचे 1 माइनस, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो यहाँ से देखो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं।
ऊपर आएगा देखो dx, नीचे आ जाएगा cos x माइनस के sin x अपॉन में आ जाएगा cos x, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा cos x dx अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस के sin x, देख लो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे ट्रिक लगेगी यहाँ पे, ठीक है, इस स्टेप में देखो यहीं पे ट्रिक लगती है यहाँ पे। तो ट्रिक क्या है कि हम लोग, ठीक है, दो से मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और दो से हम डिवाइड कर देते हैं, नीचे आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस के sin x, देख लो, ठीक है, हमने टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो टू से हमने डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे। अब आ जाते हैं ये हो जाएगा देखो वन बाई टू, तो ऊपर आएगा देखो हमारे पास cos x प्लस sin x, देखो इस 20 यहाँ पे ऊपर लिखा है 2 cos x, तो 2 cos x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक cos लिख देंगे तो पहले हम एक sin x घटा देते हैं और एक cos देखो यहाँ पे लिख देते हैं और एक sin x हम जोड़ देते हैं। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाते हैं cos x माइनस के sin x और dx, देख लो हमने क्या किया, ये 2 cos x थे, एक cos x यहाँ लिख दिया, एक cos x यहाँ लिख दिया और एक sin x हमने घटा दिया और एक sin x क्या कर दिया, जोड़ दिया बैलेंस करने के लिए। देख लो ये बात समझ में आई, हमारे पास 2 cos x थे तो हमने अलग अलग कर दिया, एक cos यहाँ लिख दिया, एक cos यहाँ लिख दिया। अब देखो नीचे माइनस था तो हमने पहले माइनस का sin x लिख दिया, फिर बाद में क्या लिख दिया, प्लस का sin x लिख दिया। अब हम अलग अलग देखो डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 2 cos x माइनस के sin x और अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस के sin x प्लस, ये आ जाओ देखो तो cos x प्लस sin x आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस के sin x और dx, ये देखो इससे कैंसिल हो गया तो कैंसिल कर देते हैं, ये जाएगा 1 बाई 2, ये जाएगा 1 प्लस cos x प्लस sin x अपॉन में आ जाएगा देख लो ये आ जाएगा। अब इनका क्या करना है स्टूडेंट, अलग अलग देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो 1 बाई 2 और ये आ जाएगा 1 dx प्लस, ऐसे देखो 1 बाई 2 ये आ जाएगा इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x और अपॉन में आ जाएगा नीचे देखो cos x माइनस के sin x और dx, देख लो ये आ जाएगा। स्टूडेंट देखो थोड़ा पीछे देख लेते हैं, पीछे एक गलती तो नहीं हो गई, सही है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ओके, देखो ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ये, इसको हम लोग t मानेंगे, इसको हम t मानेंगे, ठीक है यहाँ पे देखो इसको हम t मान लेते हैं और इसका देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस का देखो 1 बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर वाला, देखो लिख लेते हैं इसको, तो ये आएगा हमारे पास cos x प्लस का sin x और अपॉन में आएगा नीचे, देखो क्या लिखा था, नीचे लिखा है cos x माइनस, तो cos x माइनस का sin x और dx। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते, देखो माना cos x माइनस के sin x बराबर t, अब करते हैं इसका हम डिफरेंशिएशन, देखो तो डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, करो इसका डिफरेंशिएशन, तो cos का होता है माइनस का sin x और माइनस का, देखो cos का माइनस sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x, बराबर आ जाएगा dt अपॉन में dx आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा हमारे पास sin x प्लस के cos x और dx बराबर dt, तो इसको माइनस और साइड दे दो और इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, देखो यहाँ पे cos पहले लिख लो, cos x प्लस sin x और dx बराबर माइनस का dt आ जाएगा, देख लो ये आ जाएगा। अब हम इसको देखो सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारे पास 1 बाई 2 x प्लस, तो 1 बाई 2 ऊपर आएगा माइनस का dt, ऊपर देखो माइनस का dt हो गया और नीचे क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 x और प्लस 1 बाई 2 और माइनस बाहर कर लो स्टूडेंट यहाँ पे,
माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, बचेगा डी टी अपॉन में टी, तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखो तो वन बाई टू एक्स माइनस के, देखो वन बाई टू लॉग मॉड टी प्लस सी, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास वन बाई टू एक्स माइनस के, देखो वन बाई टू, तो यह आ जाएगा लॉग टी, टी के देखो वैल्यू रख देते हैं, टी कितना है हमारे पास कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस सी। देख लो ये हमारा आंसर आ गया। देख लो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखोगे, इसका मेथड और प्रोसेस याद रखोगे कि कैसे किया है हमने, ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और जब स्कूल में आपके पेपर होंगे, यूनिट टेस्ट या ठीक है, या हाफ ईयरली एग्जाम हो गया या फिर वार्षिक का एग्जाम होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये देख लो, चेक लो, इसके बाद देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 34 नंबर, देखो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करना है, रूट में लिखा है देखो टेन एक्स, अपॉन में लिखा है साइन एक्स कॉस एक्स और डीएक्स। देखो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो बताओ तू इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं अगर टेन दिया है, ठीक है, तो कोशिश करो उसको सेक स्क्वायर और बनाओ, अगर ऐसा क्वेश्चन में कहीं टेन एक्स लिखा है तो हम ये कोशिश करेंगे कि सेक स्क्वायर और बनाएंगे। देखो तो सेक स्क्वायर कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, रूट में देखो ये आ जाएगा टेन एक्स डी एक्स, अपॉन में नीचे आ जाएगा देखो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और इंटू में आ जाएगा देखो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स। हमने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान देखना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो हर में हमने एक कॉस एक्स देखो नीचे लिखा है, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमने एक कॉस एक्स से गुणा किया तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये तो हमारा बन जाएगा देखो टेन एक्स, और ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे इंटीग्रेशन देखो टेन एक्स डी एक्स, और अपॉन में आएगा ये देखो, ठीक है, ये आ जाएगा टेन एक्स आ जाएगा इंटू, और ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट देखो ऊपर देखो रूट टेन एक्स लिखा है, नीचे नॉर्मल टेन एक्स लिखा है, तो हम कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास वन अपॉन रूट में आ जाएगा टेन एक्स नीचे आ जाएगा, और इसको देखो ऊपर लिख दो, तो जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, देख लो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो याद रखना, ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट कैसे कैंसिल कर दिया, अगर ऐसा कहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है, सॉरी, अगर ऐसा कहीं लिखा है, अगर x अपॉन कहीं रूट x लिखा है तो जब इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर रूट x आता है, और अगर ऐसा कहीं लिखा है रूट x अपॉन में x लिखा है तो इसको जब इससे कैंसिल करोगे तो वन अपॉन रूट x आता है। देख लो ये, ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखो, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिया है यहाँ पे। अब आ जाओ देखो, अब स्टूडेंट देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे देखो माना टेन एक्स बराबर टी, मान लो देखो टेन एक्स ये रूट के अंदर जो लिखा है, टेन एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं, करो इसका देखो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी। अब क्वेश्चन को देखो चेंज कर देते हैं, ऊपर तो आ गया हमारे पास डी टी अपॉन में, नीचे आ जाओ देखो डी टी अपॉन में नीचे आ जाएगा रूट टी आ जाएगा, नीचे रूट टी। अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन देखो डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, तो ये होता है टू रूट एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, देख लो ये इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही से लिखते हैं,
यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रूट एक्स। तो चलो इसका देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन आएगा इसका, 2√t आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो 2√t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू 10x और प्लस c। देख लो ये इसका आंसर आ गया, देख लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, बहुत सारे टीचर आपको ये कभी कभी पूछने लगी लगेंगे। चलो स्टूडेंट ये इसके बाद देखो ये स्टूडेंट यहाँ पे इसको बंद कर लेना बॉक्स में ठीक है, यहाँ पे ये तुमने ऐसे ही बताया था ना आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 35, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x और dx। देखो ये क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इतने पार्ट को हम टी मान लेते हैं, देखो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को टी मान लो। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं माना 1 प्लस log x बराबर टी, करो इसका देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, करो डिफरेंशिएशन, ये आएगा 0 प्लस log x का आएगा 1/x, इधर आएगा dt/dx, तो ये जगह dx/x बराबर dt। तो चलो क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते हैं, आओ इसमें देखो वैल्यू पुट कर देते, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास t² × ये दोनों मिलके देखो क्या बना देंगे dt, ये दोनों बना देंगे dt, तो ये आ जाएगा हमारे पास t² dt। करो देखो इसका इंटीग्रेशन, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा t की पावर, एक जोड़ देंगे तो 3/ टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन में 3 + c। देख लो चेक कर लो, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। इसके बाद देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 36, देखो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका हमें इंटीग्रेशन करना। देखो तो लिखा है इंटीग्रेशन x+1 और x+log x का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा x और dx। देख लो ठीक है, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, और मैं देखो इतने पार्ट को हम टी मानेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो इतने पार्ट को अगर हम टी मान लें तो ये सब डीटी में चला जाएगा, देखना ध्यान से। यहाँ पे हम मान लेते हैं माना x+log x/t, और करो इसका देखो डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x का हो जाएगा 1/x, इधर आ जाएगा dt/dx। अब एलसीएम लेकर देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x+1/x और ये आ जाएगा dx/dt। देख लो सॉल्व कर लिया हमने एलसीएम लेके। अब आ जाओ देखो स्टूडेंट तुम क्या करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हम चेंज करेंगे, ये जाएगा हमारे पास t², देखो ये और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, देखो चेक कर लो, ये दोनों मिलके dt बना देंगे। चलो लिखते हैं देखो dt, यहाँ पे डी टी ठीक है, तो ये जाएगा t² dt। देखो t² dt इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो t की पावर आ जाएगा 2+1/2+1+c, एक पावर जोड़ दी हमने और टोटल पावर से हमने डिवाइड कर दिया। अब आ जाओ तो ये जाएगा देखो t³/3/3+c, तो ये आ जाएगा t की वैल्यू पुट करेंगे x+log x का होल क्यूब अपॉन में 3 + c। देख लो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, देख लो चेक लो।
इसके बाद देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 37 नंबर लिखा है, इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब साइन और टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। देखो यहाँ पे ठीक इंटीग्रेशन एक्स क्यू साइन ये जाएगा टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 और डीएक्स। देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट ये कितने पार्ट को हम टी माने कि डीटी में चला जाए, देखना ध्यान से। अगर हम इतने पार्ट को अगर हम टी मान लें, देखो इतने पार्ट को अगर हम टी मान लें तो ये सब डीटी में चला जाएगा। माना टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी, करो डिफ्रेंसिएशन। देखो तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यह जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो चलो इसका देखो डिफ्रेंसिएशन करते हैं। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, और फिर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 बराबर आ जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। अब सॉल्व करते हैं, देखो ये आ जाएगा हमारे पास तो ऊपर आएगा देखो 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8 और इधर आ जाएगा डी टी। देख लो अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे 3 को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 बराबर आ जाएगा डी टी अपॉन में 2 आ जाएगा। देख लो सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आएगा पावर सॉरी गलत लिख लिया ठीक है सॉरी ये गलत लिख दिया सॉरी ठीक है यहाँ पे ये 4 आएगा ठीक है और पावर इसकी होगी 3 गलत लिख दिया और ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा इधर ठीक है पावर इसकी 3 हो जाएगी। अब चेक कर लो देखो अब सही हो गया ठीक है, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। चलो क्वेश्चन को देखो हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये तो हो जाएगा देखो यहाँ पे टी पुट कर दो तो साइन टी हो जाएगा साइन टी। अब देखो ये और ये और ये तीनों मिलके देखो क्या बना देंगे, ये तीनों मिलके ठीक है यहाँ पे यहाँ से देखो ये डी टी बाई 4 बना देंगे। लिख देते देखो डी टी बाई फोर तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं 1/4 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन टी और डी टी। देखो तो साइन टी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी प्लस सी, तो माइनस का देखो 1/4 तो ये आ जाएगा कॉस टी, टी की वैल्यू वापस कर देते हैं तो कॉस ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस सी। देख लो ठीक है ये इसका आंसर आ गया, चेक कर लो देख लेना ये इसका आंसर है फाइनल आंसर। और ध्यान से करना है स्टूडेंट ठीक है इस टाइप के क्वेश्चनों को। अब देखो स्टूडेंट इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 38 नंबर। देखो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे लिखा है m प्लस के n tan x लिखा है। देखो तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग इंटीग्रेशन। देखो sec स्क्वायर एक्स dx और अपॉन में आएगा m प्लस n tan x। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो मान लेते हैं हम लोग माना m प्लस के n tan x बराबर t। देखो जो नीचे लिखा है ये हर्मेटिक है इसको हम लोग टी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं टी। चलो अब इस काम करेंगे देखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करो डिफरेंशिएशन। देखो ये तो जीरो आएगा और ये जाएगा एम सॉरी एम नहीं एन, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और इधर आ जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स तो ये आ जाएगा हमारे पास एन sec square x dx बराबर dt। तो n को देखो और उधर डिवाइड कर देते हैं sec square x dx बराबर आ जाएगा dt by n।
लो ये आ जाएगा, चेक कर लो। अब हम क्वेश्चन को देखो कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाओ ठीक है, इसको देखो ध्यान से। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये आएगा 1/t, ये हो जाएगा। और ऊपर देखो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा dt/n, ये 1/n देखो बाहर कर लो, तो जाएगा dt/t, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, 1/t log t प्लस c, तो 1/n log, देखो t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू है हमारे पास m+n tan x और प्लस c, देख लो ये इसका आंसर आ गया ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। अब देख लो इस तरह से करना था ठीक है, और आंसर भी चेक कर लेना। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 39 ठीक है। यहाँ पे तो हमें इंटीग्रेशन करना है, देखो इंटीग्रेशन एक्स की पावर ई माइनस वन और माइनस ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में, जाओ नीचे आ जाते, देखो नीचे है एक्स की पावर ई माइनस और ये आ जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन लिखा हमारे पास, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान सीखना। अगर देखो हम नीचे वाले पार्ट को अगर हम टी मान लें, तो अगर इसको हम टी मान लें तो देखो यहाँ पे माना एक्स की पावर ई माइनस ई की पावर एक्स बराबर टी, करो इसका देखो डिफरेंशिएशन, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो डिफरेंशिएशन करो एक्स की पावर ई, एक्स की पावर ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो ये ई पहले कर देंगे और एक पावर कम कर देंगे, माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, इधर आ जाएगा dt/dx, तो यहां से कॉमन ले लो ई, देखो यहां से ई कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स की पावर ई माइनस वन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में ई, इधर आ जाएगा dt/dx, तो ऊपर ले जाओ, देखो ये आ जाएगा ई एक्स की पावर ई माइनस वन माइनस ई की पावर एक्स माइनस वन और dx बराबर आ जाएगा हमारे पास dt, देख लो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर ई माइनस वन और माइनस ई की पावर एक्स माइनस वन और ये आ जाएगा dx बराबर आ जाएगा हमारे पास dt/e आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा dt/e आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन को देखो कन्वर्ट कर लेते हैं, करो यहाँ देखो ये तो t रख देते हैं, तो ये आएगा इंटीग्रेशन, नीचे आ जाएगा t और ऊपर आ जाओ, देखो ये सब क्या आ जाएगा dt dt/ में e आ जाएगा, तो e नीचे आ जाएगा, ये जाएगा 1/e, ये जाएगा dt/ में t, तो 1/e बाहर कर लो, देखो 1/e बाहर कर लेते हैं और ये जाएगा dt/ में t, इसका देखो इंटीग्रेशन करेंगे log t + c। अब हम वैल्यू रख देते हैं, देखो t की वैल्यू रख देते हैं, 1/e log t कितना था हमारे पास x की पावर e माइनस और e की पावर x और प्लस c, देखो ये इसका आंसर आ गया, चेक कर लो देख लो आंसर ठीक है, बुक से मैच कर लो। अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। इसके बाद देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 40 नंबर, देखना ध्यान से 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस कॉस की पावर 4x। देखो तो यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में लिखा है कॉस की पावर 4x और dx, ध्यान से देखो ठीक है,
इसको पहले हमें थोड़ा स्टूडेंटों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करते हैं, देखना ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं। देखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये साइन एक्स और अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो बन जाएगा हमारे पास, देखो, टेन एक्स, टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये आएगा डी एक्स अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो, ये आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू, इसको देखो ऊपर लिख देते हैं, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब देखो, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मान लो, यहाँ पे देखो, इसको टेन एक्स को टी मान लेते हैं, टेन एक्स बराबर टी, सॉरी टेन एक्स यहाँ पे लिखना, टेन एक्स बराबर टी लिखना। देखो, टेन एक्स को हम टी मान लेते हैं, करो इसका देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, इधर जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, ये जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर जाएगा डी टी। अब देखो, चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर इंटू, और ये आ जाएगा, देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो करो इंटीग्रेशन, देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 2+1 अपॉन में 2+1+c, 2+1 देखो, ठीक है, यहाँ पे टू प्लस वन और प्लस सी करो, इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा टी की पावर 3/3 + c। अब देखो, टी की वैल्यू वापस कर दो, टी हमने किसको माना था, टेन एक्स, टेन एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3+c, ये आ जाएगा हमारे पास टेन क्यू एक्स और अपॉन में 3+c। देखो, ये इसका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। देख लो, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, इसको याद रखना, वैसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट, ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 41 नंबर, कह रहा है इंटीग्रेशन करना है टेन क्यू टू एक्स sec 2x। देखो ये लिखा है, तो ध्यान से देखना, इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे लिखा टेन क्यू टू एक्स sec 2x dx, देखो ये लिखा है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट देखो, अगर हम यहाँ पे टेन को अगर हम मानते हैं, टेन को मानते हैं, तो टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर तो है नहीं कहीं क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे ओनली सेक एक्स लिखा है, तो हम टेन को देखो यहाँ पे टेन टू एक्स को हम लोग टी नहीं मान सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे थे, इतना ध्यान से, इसको ऐसे लिख दें टेन स्क्वायर 2x इंटू, और एक टेन अलग कर दो, तो टेन 2x और ये जाएगा हमारे पास सेक 2x और dx। देखो टेन की पावर 3 थी, तो हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया, दो अलग कर दी और एक अलग कर दिया। अब स्टूडेंट देखना ध्यान से, ये टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ये जाएगा 2x-1 और इनटू में आएगा, देखो इसको लिख देते हैं हम लोग सेक 2x टेन 2x और dx। देखो हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये सर्वसम का है स्टूडेंट, त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये ऐसे यूज होते रहते हैं।
अब स्टूडेंट देखो, हमें अब हम देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, तो इसको ऐसे लिख दे रहे देखो sec 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 और ये जाएगा sec 2x tan 2x dx। देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं देखो माना तो sec 2x बराबर t, करते हैं इसका हम डिफरेंशिएशन। देखो sec 2x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec 2x जगह tan 2x और 2x का और कर लो, 2x का 2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा dt अपॉन में dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 sec 2x tan 2x और dx बराबर आ जाएगा dt। देखो बराबर में आ गया dt। अब 2 डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा sec 2x tan 2x और dx बराबर आ गया हमारे पास dt अपॉन में 2 आ गया। चलो यहाँ पे आके देखो चेंज करते हैं इसको, देखो चेंज करो, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये dt आ जाएगा, देख लो ठीक है। यहाँ पे ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये चला जाएगा dt में, dt बाय 2 में चला जाएगा स्टूडेंट, dt बाय 2, 1 बाय 2 देखो बाहर कर लो, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन देखो टी स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा dt। करो इसका अलग अलग देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1 बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर डी टी और माइनस के देखो यहाँ पे 1 बाई 2 होगा और डी टी आ जाएगा 1, ठीक है। अलग अलग दो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, 1 बाई 2 से अंदर गुणा भी कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पे अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन करना और 1 बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना। चलो तो इसका पहले वाले देखो इसका इंटीग्रेशन करो और इसका भी इंटीग्रेशन कर देते, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 आएगा, ये आएगा t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका देखो इंटीग्रेशन 1, ठीक है 1 का इंटीग्रेशन t होगा, तो 1 बाई 2 ये जाएगा t प्लस सी, तो देखो तो यहाँ पे स्टूडेंट एक मिनट ध्यान से देखना आपके, ठीक है यहाँ पे ये तो 1 बाई 2 टी में कन्वर्ट हो गया था, ठीक सही है। चलो ठीक है यहाँ पे करते हैं देखो इंटीग्रेशन, ठीक यहाँ पे तो ये आ जाएगा तो 1 बाई 2 और टी कॉमन ले लो यहाँ से, तो बचेगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, देखो ये बचेगा तो ये आएगा 1 बाई 2, अब लोग दो t की, ये आ जाएगा sec 2x और यहाँ पे आ जाएगा देखो sec 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c, बस यही फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, sec 2x अपॉन में 2 और यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस c, देख लो चेक कर लो आंसर आ गया तुम्हारा, ये आएगा आंसर इसका, एक बार चेक कर लेना ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज करके बता देना। चलो अच्छा देखो ठीक है, तो आज आज की क्लास का देखो लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बचा है, ठीक है अभी क्वेश्चन नंबर देखो 42, ठीक है ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट रुक जाना स्टूडेंट, ठीक देखो तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और कॉस स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, देखो ये लिखा हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो हम पहले सबसे पहले देखो मान लेते हैं किसको मानेंगे यहाँ पे टी, इस लॉग एक्स को टी मान लो, जिससे ये तुम्हारा डी टी में चला जाएगा, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग माना लॉग एक्स बराबर टी, करो इसका देखो डिफ्रेंशिएशन, यह जगह लॉग एक्स का जगह 1 बाई एक्स
जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, तो ये जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स, ये जाएगा डी टी आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं, करो चेंज, ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन। देखो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, डी टी बन जाएंगे, देखो डी टी और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, यहाँ पे टी रख दो, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर टी डी टी। sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan टी होता है प्लस सी, ये आ जाएगा हमारे पास tan टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू कितनी है log x। देखो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, देख लो स्टूडेंट ये इस तरह से करना था। तो स्टूडेंट वो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमने 27.2 जो है, ठीक है, 7.2 ये कंप्लीट होगी। तो अगली क्लास में हम लोग, ठीक है, यहाँ पे 7.3 की जो थ्योरी है, ठीक है, और एग्जाम्पल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक, ठीक है, शेयर जरूर किया करो, क्योंकि आप लोग, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं वीडियो पढ़ लेते, ठीक है, ना तो वो लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, ठीक है, ना ही कमेंट करते हैं, चुपचाप पढ़ लेते हैं, बताते भी नहीं है कि वीडियो कैसा लगा है। आप लोग बताया करो, ठीक है, बताने से ये होती थी और खुशी मिलती है, आप लोग कमेंट भी करो, फ्रेंड के साथ शेयर भी करो, ठीक है, ये सब किया करो जिससे अच्छा भी लगे, तो आपकी क्लास को हम कंटिन्यू रखें, ठीक है। आप लोग समझते नहीं, ठीक है, बहुत सारी मेहनत लगती है पढ़ाने में। चलो स्टूडेंट, ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में।